जैसा हमने एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं और सूक्ष्म जीवों से होने वाले जो रोग हैं उनको ख़त्म करने के लिए या उनको दूर करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे एक एंटीबायोटिक प्रकार के ही औषधि के वर्ग का, जो है सल्फा ड्रग या सल्फा औषधि। ये जो सल्फा औषधि है ये संश्लेषित होते हैं और प्रायः जो कीमोथेरेप्योटिक औषधि होते हैं या रसो चिकित्सा औषधि होते हैं, और ये एंटीबायोटिक के समान ही कार्य करते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक से इसका डिफरेंस ये है कि एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है, जबकि सल्फा ड्रग जो है वो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। और जैसा कि नाम है तो सल्फा ड्रग यानी इसमें सल्फर होता ही है। जितने भी सल्फा ड्रग औषधि हम प्रयोग में लेते हैं उसमें सब में एक कंपोनेंट जो है वो सल्फर का होता ही है। तो बहुत सारे सल्फा औषधि हैं जिसका प्रयोग वर्तमान समय में एंटीबायोटिक के स्थान पर किया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। तो एंटीबायोटिक के समान ये सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो कार्य है वो प्रतिजैविक के समान ही होता है। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे सल्फा डाइजीन है या सल्फा पिरिडीन है, ये सभी जो हैं सल्फेनिलामाइड का ही व्युत्पन्न होता है। तो सल्फेनिलामाइड का जो स्ट्रक्चर है वो आप देखिए, ये एक बेंजीन रिंग है या हम कहें कि यहाँ पर ये एनिलीन है, यानी बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये एनिलीन हुआ और इसके पैरा पोजिशन पर जुड़ा हुआ है SO2 NH2। तो जितने भी सल्फा ड्रग्स होते हैं उसमें सल्फानिलामाइड जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में रहता है, या इसको हम नाम दे सकते हैं कि पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैरा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप है और सल्फोनामाइड यानी SO2 NH2 इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो SO2 NH2 के पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है NH2। तो ये एमिनो ग्रुप है यानी पैरा एमिनो और सल्फोनामाइड। तो चूंकि पैरा एमिनो ग्रुप जो है वो बेंजीन में जुड़ा है तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड। ये स्ट्रक्चर जो है आपको जितने भी सल्फा ड्रग आप देखेंगे उसके बेसिक संरचना में आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सल्फा डाइजीन का स्ट्रक्चर। सल्फा डाइजीन के स्ट्रक्चर में भी आप देखिए कि यही संरचना है, यानी पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड का ही स्ट्रक्चर है। इसमें जो SO2 NH2 था उसके एक H को हटा दिए और उस H को हटाकर यहाँ पर एक 6 सदस्यीय रिंग बना दिए, जहाँ पर अल्टरनेट स्थान पर 2 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो देखने में बेंजीन रिंग जैसा ही है लेकिन वास्तव में ये बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पर 2 जगह पर नाइट्रोजन है अल्टरनेट पोजीशन पर और अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो सल्फा डाइजीन होता है इसका प्रयोग प्रायः गले के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए या निमोनिया में, मेनिनजाइटिस, इन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस प्रकार का जो एंटीबायोटिक है वो दिया जाता है। अब हम देखेंगे सल्फापिरिडीन की संरचना। यहाँ भी आप देखिए कि सल्फापिरिडीन की संरचना में भी पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड है और साथ में एक पिरिडीन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए जो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड है और उसके SO2 NH2 के एक H को हटाकर ये बन गया पिरिडीन का स्ट्रक्चर, जिसमें 6 सदस्यीय रिंग है और 1 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये बन गया सल्फा पिरिडीन। तो ये सल्फा पिरिडीन जो है ये भी एक बहुत अच्छा सल्फा ड्रग है जिसका प्रयोग निमोनिया के उपचार में किया जाता है। अब हम देखेंगे सल्फा एसीटामाइड का स्ट्रक्चर। तो सल्फा एसीटामाइड भी एक बहुत ही उपयोगी सल्फा ड्रग माना जाता है और इसका प्रयोग जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं प्रायः उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी संरचना में भी हम देखते हैं कि वैसा ही स्ट्रक्चर है, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड तो है ही, लेकिन पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड जैसे ये बेंजीन रिंग है NH2 है और SO2 NH2 है, तो SO2 NH2 के एक H को हटाकर यहाँ जुड़ गया COCH3। तो चूँकि जब हम एसीटामाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो CH3CONH2 होता है, तो वैसा ही मान लीजिए कि CH3CONH2 के एक H को हटाकर यहाँ पर जुड़ गया
पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो सल्फा ड्रग होते हैं उसमें सब में सल्फेनिलामाइड का एक बेसिक ढांचा है और उसके आधार पर ही जितनी भी औषधियां हैं वो बनी हुई हैं और सभी में सल्फर है ही। तो इस तरह की जो औषधियां होती हैं ये सल्फा ड्रग होती है और ये प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक की तरह ही कार्य करती हैं। अब हम जानेंगे एंटी मलेरियल्स या प्रति मलेरिया के बारे में। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जैसे एंटी मलेरियल, तो मलेरिया से उत्पन्न होने वाली जो बुखार है, मलेरिया बुखार को दूर करने के लिए या मलेरिया के समय जो शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उस समय शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रति मलेरियल औषधियाँ। तो पुराने समय में जो सिनकोना छाल था उससे प्राप्त जो औषधि थी उसका प्रयोग मलेरिया को ठीक करने में किया जाता था। उसी पर बेस्ड है कुनैन, जो एक एल्कलॉइड है, जो बहुत ही पुराना एक औषधि है जिसका प्रयोग मलेरिया बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो ये जो कुनैन है वो सिनकोना छाल से प्राप्त होता है और वर्तमान समय में जो बहुत ही प्रचलित औषधियां हैं मलेरिया के लिए वो है क्लोरोक्वीन, पैराक्वीन। तो ये क्लोरोक्वीन, पैराक्वीन ये सभी एंटी मलेरियल औषधियाँ होती हैं। अब हम निश्चेतक या जो एनेस्थेटिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। प्रायः जब सर्जरी होती है, ये सर्जरी बड़ी भी हो सकती है और छोटी सर्जरी भी होती है, तो आवश्यकता अनुसार डॉक्टर्स जो हैं वो एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसी सर्जरी होती है जहां पर पूरे शरीर को चेतना शून्य करना होता है और कभी कभी ऐसी सर्जरी भी होती है जहाँ पर अंग विशेष को ही चेतना शून्य करने से ऑपरेशन किया जा सकता है। तो इस आधार पर जो एनेस्थेटिक्स हैं उसको वर्गीकरण किया गया है। तो एनेस्थेटिक वास्तव में होते क्या हैं? तो ये ऐसी औषधियाँ होती हैं जो कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में मुख्य रूप से जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र का जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है उसके प्रति ये अचेतना उत्पन्न करते हैं। यानी जो तंत्रिका तंत्र है उसके कार्य के, उसके बायोलॉजिकल फंक्शन पर थोड़ी देर के लिए उसे चेतना शून्य बना देते हैं और इसका प्रभाव जो है वो उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय शब्द का अर्थ ये है कि जैसे ही एनेस्थीसिया का प्रभाव खत्म होता है वापस व्यक्ति अपने पुनः जो भी उसकी सामान्य मनोदशा थी वो उसी अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर बेहोशी के लिए कई बार प्रयोग किया जाता है या दर्द को कम करने के लिए एनेस्थेटिक दिया जाता है। तो इस प्रकार एनेस्थीसिया का प्रयोग करके बड़े और छोटे जितनी प्रकार की भी सर्जरी है उसको किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले सामान्य जो निश्चेतक है और स्थानीय निश्चेतक की। निश्चेतक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य निश्चेतक और एक है स्थानीय निश्चेतक। जैसा कि हमने देखा कि जो बड़ी सर्जरी होती है तो वहाँ पर पूरे शरीर को चेतना शून्य करना होता है, तो जो सामान्य निश्चेतक होते हैं ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दबाकर शरीर को चेतना शून्य कर देते हैं। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो बायोलॉजिकल एक्शन है उसको कम कर देते हैं और उसको दबा देते हैं और शरीर को चेतना शून्य कर देते हैं और इस प्रकार जो पूरा शरीर है वो चेतना शून्य हो जाता है। तो प्रायः बड़ी सर्जरी या जो किसी बड़ी बीमारी के लिए होने वाली सर्जरी है वहाँ पर पूरे शरीर को चेतना शून्य करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो सामान्य निश्चेतक है उसका प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य निश्चेतक जो है इसके अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कुछ जो है वो गैसियस फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, तो गैसियस फॉर्म में प्रयोग करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड है, इसी प्रकार साइक्लोप्रोपेन है, एथिलीन है। तो इन सभी जितने भी एनेस्थेटिक है जिसका प्रयोग हम सामान्य एनेस्थीसिया के लिए करते हैं तो ये गैशियस फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्थानीय निश्चेतक की या लोकल एनेस्थेटिक्स। तो जैसा नाम से स्पष्ट है लोकल एनेस्थेटिक का अर्थ होगा कि शरीर के किसी एक विशेष अंग को जब ऑपरेट करना है और उस विशेष अंग को चेतना शून्य करने के लिए सामान्य निश्चेतक का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि स्थानीय निश्चेतक का प्रयोग करते हैं।
जैसे कई बार छोटे सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे दांत निकालना है या घाव में टाँका लगाना है, तो ऐसी स्थिति में स्थानीय निश्चेतकों का प्रयोग करते हैं। तो ये शरीर के किसी एक विशेष अंग के दर्द को कम करने के लिए, विशेष अंग को चेतना शून्य करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी जो हम निश्चेतक का प्रयोग देखते हैं तो अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कई बार कुछ जेली फॉर्म में भी प्रयोग किया जाता है, स्प्रे के रूप में भी, या फिर इंजेक्शन के रूप में भी किया जाता है इसका प्रयोग। तो जैसे अगर जेली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे जाइलोकेन है, प्रोकेन, ये सारा जो है जेली के फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। स्प्रे के रूप में एथिल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, और जो प्रोकेन है वो इंजेक्शन में देकर दिया जाता है। तो ये स्थानीय निश्चेतक जो है वो अलग अलग फॉर्म में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जेली के फॉर्म में प्रयोग कर रहे हैं तो किसी एक जगह पर मान लीजिए टाँका लगाना है तो वहाँ पर इसका प्रयोग करके टाँका लगाया जा सकता है, तो थोड़ी देर के लिए वो चेतना शून्य हो जाता है वह भाग। तो यहाँ पर हमने देखा कि निश्चेतक जो है या एनेस्थेटिक जो है वो अलग अलग रूपों में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ विशेष तरह की औषधि जिसे प्रतिजनन क्षमता औषधि या एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स भी कहते हैं। तो औषधि विज्ञान में हमने देखा कि कई प्रकार के खोज लगातार हो रहे हैं जिससे मनुष्य जो है वो रोग मुक्त होता जा रहा है, और कई जगह पर उसका जो जीवन है वो बहुत स्वस्थ होता जा रहा है। कई सारी गंभीर बीमारियां भी नए नए खोजों से ठीक हो रही है। तो मनुष्य का जो जीवन है वो औसत आयु भी मनुष्य की अब लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कई सारी बीमारियों के लिए नए नए खोज और नए नए जो इलाज है वो वैज्ञानिकों ने ढूँढा है। तो इसी दौरान जो जीवन की संभावना है मनुष्य की वो बहुत अधिक हो गई है, या कहे कि दुगनी लगभग हो गई है। साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अन्य समस्या भी जन्म ले रही है, जैसे जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ बहुत सारी अन्य समस्याएं जो इस जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई है, जैसे कि बेरोजगारी है, भोजन की समस्या है, या संसाधनों में कमी है, पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण है, ये सारी समस्याएँ इसके साथ ही जन्म ले रही हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या को कम करने के लिए या जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए इस प्रकार की औषधियों की आवश्यकता पड़ी, जिसको कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो यहाँ पर इन औषधियों के प्रयोग द्वारा परिवार नियोजन की धारणा को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है, और इसका बहुतायत प्रयोग भी लोगों द्वारा किया जा रहा है ताकि जनसंख्या का नियंत्रण हो सके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग ऐसी औषधियाँ होती हैं जो कि महिलाओं द्वारा प्रेगनेंसी के नियंत्रण के लिए किया जाता है, या प्रेगनेंसी पर नियंत्रण रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और प्रतिजनन क्षमता वाली जो औषधि है ये जनन नियंत्रण ड्रग भी कहलाती है। ये जो ड्रग है इसका जो मुख्य कार्य है वो जो मासिक चक्र है या ओवम के बनने की जो दर है उसको ये नियंत्रित करती है। तो इन औषधियों में जो सक्रिय भाग होता है वो प्रायः स्टेरॉइड्स का होता है। तो जो संश्लेषित एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्ट्रॉन है, इनका मिश्रण इस प्रकार की औषधियों में देखा गया है। तो इसका कार्य क्या है? ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है या एस्ट्रोजन है ये मुख्य रूप से हार्मोन्स ही होते हैं। तो जो प्रोजेस्ट्रॉन है इसका कार्य होता है ओव्यूलेशन को निरोधित करना या अंडोत्सर्ग को निरोधित करना। संश्लेषित प्रोजेस्ट्रॉन है इसका जो व्युत्पन्न है वो प्राकृतिक जो प्रोजेस्ट्रॉन है उसकी तुलना में बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। तो प्रायः देखा गया है कि एक औषधि है नॉरएथिंड्रॉन जो एक संश्लेषित प्रोजेस्ट्रॉन का ही व्युत्पन्न है, और इसका प्रयोग जो है वो जनन नियंत्रण गोलियों में बहुत अधिक होता है। इस दवाई का नाम है नॉरएथिंड्रॉन। तो नॉरएथिंड्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से एक 6 सदस्यीय रिंग है जिसको हम कह सकते हैं साइक्लोहेक्सिनोन है पहला जो रिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है लेकिन ये वास्तव में 6 सदस्यीय रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ डबल बॉन्ड ओ है। इसके साथ जुड़ा हुआ साइक्लोहेक्सेन है, फिर एक साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, और इस तरह से जुड़ा हुआ एक और रिंग बना हुआ है जिसमें बाहर की तरफ OH और इधर CH3 एक जुड़ा हुआ है, और इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये स्ट्रक्चर हो गया नॉरएथिंड्रॉन का। तो नॉरएथिंड्रॉन जो है वो
संश्लेषित प्रोजेस्ट्रॉन का ही डेरिवेटिव होता है और प्रायः जनन नियंत्रण गोलियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक और औषधि की बात करेंगे जिसका नाम है एथाइनिल एस्ट्राडियोल या जिसको नोवेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये जो दवाई होती है ये एस्ट्रोजन का व्युत्पन्न है जो प्रोजेस्ट्रॉन व्युत्पन्न के साथ साथ इसका भी प्रयोग जनन नियंत्रण गोलियों में किया जाता है, क्योंकि हमने ये देखा कि इस प्रकार की गोलियों में प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन इस तरह दोनों प्रकार की जो हार्मोनल इफेक्ट वाले जो स्टेरॉइड्स हैं उन्हीं का मिश्रण जो है वो इस प्रकार की गोलियों में होता है। तो वास्तव में जो एस्ट्रोजन युक्त गोली है वो शरीर में एस्ट्रोजन का जो लेवल है उसको बढ़ा देती है, तो इसलिए एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो शरीर में कम नहीं होता है कभी भी। तो पीयूष ग्रंथि जो हमारा मास्टर ग्लैंड कहलाता है उससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको कहते हैं FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये एस्ट्रोजन का स्राव करता है जब एस्ट्रोजन का लेवल शरीर में कम हो जाता है। इस प्रकार की गोलियों द्वारा यदि एस्ट्रोजन का स्तर सही बना रहता है तो फिर FSH द्वारा इस प्रकार के हार्मोन का स्राव नहीं होता है जो कि अंडे को विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि एस्ट्रोजन का लेवल शरीर में सही रहेगा इन प्रकार की गोलियों के सेवन से तो फिर FSH का के द्वारा स्रावित होने वाले एस्ट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि देखा गया है कि FSH का स्राव जो है वो तभी होता है जब कभी भी रक्त में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाए। तो इस प्रकार के एस्ट्रोजन के लेवल को नियंत्रित रखने के लिए ही इस तरह की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की जो जनन नियंत्रण गोलियां होती हैं इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे वज़न बढ़ जाना, बीपी होना, किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाना, तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अब हम बात करेंगे एक अलग तरह की केमिस्ट्री की, भोजन में रसायन। तो जब भी हम कभी भोजन करते हैं तो भोजन को देखते ही उसको ग्रहण करने की इच्छा होती है कई बार, कि उसके कलर को देखकर या उसके बनने की प्रक्रिया को देखकर, या कई बार हम पैकेट्स वाले जो फूड होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, चटपटा खाने का मन होता है तो अचार का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से भोजन में हम केमिस्ट्री को कई जगह देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि भोजन में केमिस्ट्री शब्द का क्या अर्थ है। तो भोजन के रूप रंग को सही बनाकर रखना या भोजन के पोषक वैल्यू को बनाए रखना, बहुत समय तक उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, इन सब में ही हम केमिकल का प्रयोग देखते हैं। तो जब कभी भी भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखना होता है, उसको पुनः उपयोग करने का मन होता है, तब हम इस प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो ये कई तरह से प्रयोग में लाते हैं, कई तरह से हम भोजन की केमिस्ट्री जो है या भोजन में केमिकल्स का प्रयोग जो है वो कई चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव के रूप में, भोज्य पदार्थ के सुगंध के लिए, फ्लेवर्स के रूप में, जैसे आप जब केक खाते हैं तो केक में वेनिला एसेंस का प्रयोग होता है या पाइनएप्पल एसेंस का प्रयोग होता है, तो केक की खुशबू से, या आइसक्रीम में भी हम जब देखते हैं तो अलग अलग खुशबू, अलग अलग फ्लेवर होता है, तो एक अलग तरह के फ्लेवर से हमें उस भोजन को ग्रहण करने की इच्छा होती है या किसी भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा होती है। तो ये जो कलर्स होते हैं या जो फ्लेवर होता है यही भोजन को एक बहुत अच्छा रूप रंग देता है और उसको खाने का मन होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कई बार देखते हैं कि कोई शुगर पेशेंट है या जिसका मोटापा बहुत अधिक बढ़ रहा है, तो ऐसे जगह पर लोग आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं, मधुरक है, उसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर फिर केमिकल्स हैं। कई बार हम कुछ भोज्य पदार्थों को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को मिला देते हैं। यहाँ पर वसा इमल्सी कारक, स्थायी कारक भी होता है भोजन में केमिस्ट्री के रूप में, और पोषक संपूरक, यानी कई बार उस भोज्य पदार्थ में हो सकता है कुछ न कुछ जो सप्लीमेंट्स हैं वो कम हैं, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स या कुछ एक्स्ट्रा विटामिन, ये सारे मिला करके उसके जो पोषक वैल्यू है उसको बढ़ाया जाता है। तो जो पोषक संपूरक हैं वास्तव में ये विटामिन हो सकता है, खनिज हो सकता है या कोई एमिनो एसिड हो सकता है।
इसी प्रकार कुछ खाद्य रंजक के बारे में भी हम देखेंगे। तो जब हम भोज्य पदार्थ के रंगों की बात करते हैं तो इसमें जलेबी है, चाउमीन है या बिरयानी है, आप देखते हैं कि कितना सुंदर ये दिखता है, देखते ही मन करता है खाने का। तो यहाँ पर कुछ कलर मिले होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ जो केमिकल्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है, भले ही इन केमिकल्स का हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है या इसको बनाया ही इसी तरह जाता है ताकि शरीर पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। किसी भी चीज़ का अति प्रयोग जो है वो तो घातक होगा ही, तो यहाँ अति प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन कम से कम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है और शरीर के लिए ये इतना हानिकारक नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कई प्रकार से जो भोजन में रसायन है उसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो भोजन में रसायन को जब हम प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले बात आती है प्रिजर्वेटिव्स की या खाद्य परिरक्षक की। वास्तव में ये जो खाद्य परिरक्षक हैं वो क्या होते हैं? जब कभी भी हम भोज्य पदार्थ देखते हैं ये उसमें सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए कुछ उसमें केमिकल मिलाया जाता है। तो ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ये जैसा हमने देखा कि बहुत अधिक नुकसानदेह नहीं होने चाहिए मनुष्य के लिए, क्योंकि उस भोजन को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। तो परिरक्षक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि खाद्य पदार्थों के मौलिक आकार एवं उसका जो रूप रंग है उसको कई बार ये परिवर्तित भी कर देते हैं और कई बार इसको परिवर्तित नहीं भी करते हैं। तो परिरक्षक का अर्थ ये नहीं है कि वो भोज्य पदार्थ के मूल संरचना को ना बदले, परिरक्षक भोज्य पदार्थ के मूल संरचना को परिवर्तित भी कर सकता है और परिवर्तित नहीं भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो मुख्य कार्य है वो इसके पोषक तत्व और विटामिन को यथासंभव बनाकर रखने का इसका जो मुख्य कार्य है वो होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं होनी चाहिए और भोज्य पदार्थ जो है वो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। ये जो खाद्य परिरक्षक होते हैं इनकी ये मुख्य विशेषता है कि ये बिना उस भोज्य पदार्थ के पोषक वैल्यू को या उस भोज्य पदार्थ के विटामिन्स को कम ना करें और हमारे शरीर के लिए वो बिल्कुल भी हानिकारक ना हो। तो परिरक्षक की परिभाषा जब हम करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा कि परिरक्षक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके प्रयोग से जो खाद्य पदार्थ है उसके किण्वन या खटास उत्पन्न होना या इनके अन्य जो भी अपघटनकारी क्रियाएं होती हैं वो रुक जाएं। यानी उस भोज्य पदार्थ को यदि बिना परिरक्षक मिलाए हम रख देंगे तो वो थोड़े दिन बाद उसमें फर्मेंटेशन होगा, वो खट्टा हो जाएगा या दूसरे तरह से किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन, उसमें फंगस लग जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इस प्रकार की क्रियाएं जो है इस परिरक्षक को मिलाने से वो कम हो जाए या इस प्रकार की क्रियाएँ रुक जाए या मंद हो जाए, धीमी गति से हों। तो इस प्रकार अपघटनकारी जो क्रियाएँ हैं वो रुक जाएँ या धीमी हो जाए, इस शब्द का अर्थ क्या है? जब हम प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं तो उसका ये अर्थ नहीं है कि हम कई सौ वर्ष तक उस भोज्य पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी लिमिटेशन होता है। तो यहाँ पर इसलिए इस शब्द को लिखा गया है कि जो भोज्य पदार्थ की अपघटनकारी क्रियाएं हैं वो मंद हो जाएं, यानी तुरंत भोज्य पदार्थ खराब ना हो, कुछ दिनों तक वो रखा जा सके। आपने देखा होगा कई जो पैकेज वाले फूड होते हैं उसमें एक्सपायरी डेट होता है, तो ये एक्सपायरी डेट लिमिटेशन होता है उसमें कि 6 महीने का एक्सपायरी है या 3 महीने का एक्सपायरी है, उसको देखकर हम उस भोज्य पदार्थ को ख़रीदते भी हैं और उसको देखकर हम उसका प्रयोग भी करते हैं। यदि एक्सपायरी डेट से ज़्यादा समय हो गया है उस तो हम उसे फेंक देते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। उसका अर्थ ये है कि उसमें भी परिरक्षक मिला हुआ है लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है, हर परिरक्षक हर भोज्य पदार्थ को एक निश्चित समय तक ही परिरक्षित कर सकता है। तो यहाँ पर हम जब परिरक्षक की बात करते हैं तो कई सारी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो अच्छा परिरक्षक जो है वो ऐसा परिरक्षक माना जाएगा जो बहुत कम मात्रा में ही प्रयोग किया जाए और कम मात्रा में प्रयोग करके भी खाद्य पदार्थ को बहुत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सके और हमारे शरीर में किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव ना उत्पन्न करे। ये सबसे मुख्य विशेषता परिरक्षक की होनी चाहिए। तो किसी भी खाद्य पदार्थ को ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें जो परजीवी है या उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं यही
उत्तरदायी होते हैं तो उसको नष्ट करना ही मुख्य परिरक्षक जो है उसका कार्य होता है। तो परिरक्षक जो है वो सूक्ष्म जीव या परजीवी या किसी प्रकार का वायरस है, बैक्टीरिया है, इन सब के वृद्धि को ये रोकते हैं और उसको उत्पन्न होने नहीं देते हैं। तो पहले प्रकार के जो परिरक्षक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ परिरक्षक जिसका प्रयोग हम बहुत अधिक करते हैं, जैसे नमक है, शर्करा है, तेल है, सिरका है, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये पारंपरिक परिरक्षक है। कई वर्षों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे नमक का प्रयोग करते हैं तो अचार वगैरह बनाते हैं उसमें करते हैं, अचार बनाते समय तेल का प्रयोग किया जाता है। अचार को बहुत लंबे समय तक रखना है तो उसमें सिरका का प्रयोग किया जाता है, या कभी जेली, मुरब्बा, इस तरह सी चीज़ें बनानी होती हैं तो शर्करा का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। और ये नमक है, शक्कर है, तेल है, ये कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं जिसका प्रयोग बहुत समय से होता आ रहा है, तो ये पारंपरिक परिरक्षक के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम एक एक करके कुछ परिरक्षकों के बारे में जानेंगे और इनका प्रयोग किन किन चीज़ों के परिरक्षण में किया जाता है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो परिरक्षक है वो है नमक। नमक का प्रयोग मक्खन में, चीज़, ब्रेड, मछली, सब्जी, इनको परिरक्षित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नमक का जो मुख्य कार्य है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है और ऊतकी कोशिकाओं में से जल को निकालता है, यानी जल को निकाल कर निर्जलीकरण की क्रिया को करता है। जैसे अचार बनाते समय आम काटकर एक दो दिन तक नमक डालकर उसे रखा जाता है ताकि उस आम में, चूँकि जीवित कोशिका है तो उसके अंदर उसका जो जल है वो बाहर निकल जाए और उसको फेंकने के बाद ही अचार के सारे मसाले उसमें डाले जाते हैं। तो यहाँ पर ये नमक जो है वो निर्जलीकारक की तरह कार्य करता है। अब हम एक अगला जो परिरक्षक है पारंपरिक वो है शर्करा की बात करेंगे। ये जैम, जेली या जो शहद होता है उनके परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। सिरका जो कि एसिटिक अम्ल का ही सॉल्यूशन होता है, एसिटिक अम्ल का जो 4% सॉल्यूशन है उसे सिरका कहते हैं। तो सिरका जो है वो प्रायः अचार वगैरह में या सब्जियों के परिरक्षण में किया जाता है इसका प्रयोग। तो जो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने का गुण होता है परिरक्षक का, ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है। तो खाद्य पदार्थों के प्राकृतिक गुण को बनाए रखना इस मुख्य गुणों में आता है। साथ ही भंडारण की आयु को बढ़ाना, यानी काफ़ी लंबे समय तक हम उस खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकें, और किसी भी खाद्य पदार्थ को बहुत अच्छी तरह से बिना उसके विटामिन या बिना उसके जो पोषक मूल्य है उसको खोए वो लंबे समय तक परिरक्षित रहे, यही उद्देश्य होना चाहिए। कुछ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, उसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम दूसरे प्रकार के कुछ परिरक्षक की बात करेंगे। दूसरे प्रकार के परिरक्षक में ये खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए अलग से डाले जाते हैं। तो अलग से डाले जाते हैं, यहाँ पर भी परिरक्षक है, तो इसमें भी उद्देश्य यही है कि ये मनुष्य को हानि ना पहुँचाए। तो यहाँ पर कुछ मुख्य जो परिरक्षक है उसमें होता है प्रोपियोनिक अम्ल, सॉर्बिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल, और या फिर बेंजोइक अम्ल का कोई लवण। तो परिरक्षण के समय दो प्रकार से परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है जो ये केमिकल वाले होते हैं। इसमें जैसे कि कार्बनिक परिरक्षक होता है और कुछ अकार्बनिक होते हैं। इसमें हम देखेंगे बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल का जो सॉल्यूशन है वो 0.05 से 0.01% तक यदि है, तो ये जो बेंजोइक अम्ल का सॉल्यूशन है वो ईस्ट या जीवाणु को उत्पन्न होने से रोकता है, उनको नष्ट करता है। और इसका प्रयोग जो है प्रायः सॉफ्ट ड्रिंक में, जैम, जेली या जो फ्रूट जूस होते हैं उसमें इस तरह के सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट होता है वो भी ईस्ट है, बैक्टीरिया है, इनको रोकने में सहायक होता है। प्रायः सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कई बार ताजी मछलियों को बहुत लंबे समय तक रेफ्रिजरेशन करना रहता है तो उस समय इसका प्रयोग करते हैं, यानी मछली को ताज़ा ही रखना है, सुखाना नहीं है, ताज़ा रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अचार में प्रयोग करते हैं या फलों के रस में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है।
यहाँ पर एक अन्य वर्ग है पूरा सॉर्बेट्स का, जो कि ईस्ट या फफूंदी को रोकने में सहायक होते हैं, ये भी एक अच्छे परिरक्षक माने जाते हैं। और प्रायः इसका प्रयोग मक्खन में सूखे जो मेवे होते हैं उसको बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, या मांस मछली से बने हुए जो उत्पाद आजकल मार्केट में मिलते हैं, तो इनको बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सॉर्बेट्स का प्रयोग किया जाता है। फिर है प्रोपियोनेट्स। जो ये प्रोपियोनेट्स का वर्ग होता है, ये जीवाणु मोल्ड से उत्पन्न होने वाले जितने भी मतलब प्रभाव है उसको ये कम करते हैं। प्रायः जो बेकरी उद्योग है, बेकरी उद्योग में कई बार ब्रेड केक है, ब्रेड है, बिस्किट है, इन सबको परिरक्षित करने के लिए प्रोपियोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। एक अगला जो कंपाउंड है वो है प्रोपिलीन ऑक्साइड। तो ये जो प्रोपिलीन ऑक्साइड होते हैं, इसका मुख्य कार्य है सूक्ष्म जीवाणुओं के जितने भी रूप होते हैं उसको नष्ट करने के लिए इन प्रोपिलीन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रायः जो सूखे नट्स होते हैं या मसाले होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनको बहुत लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए भी प्रोपिलीन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ अकार्बनिक परिरक्षकों की। तो जो अकार्बनिक परिरक्षक होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला नहीं होगी, ये सोडियम नाइट्राइट है या सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है या सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये सारे जो है वो कुछ अकार्बनिक परिरक्षक होते हैं। तो हमारे देश में कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ एक परिरक्षकों को बहुत अधिक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है और उसी का प्रयोग प्रायः बहुत सारी वस्तुओं को, खाद्य वस्तुओं को परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो उसमें बहुत ही मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाला परिरक्षक है वो है सोडियम बेंजोएट। ये जो सोडियम बेंजोएट है, ये खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक बहुत अच्छा ये परिरक्षक है, प्रायः फल, फलों के रस या पेय पदार्थ जितने भी हैं उनको परिरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो हम सोडियम बेंजोएट की बात करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट जो है वो उपापचयित होकर के हिप्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर C6H5CONHCH2COOH, तो इस तरह ये बना हिप्यूरिक अम्ल। इसी प्रक्रिया के कारण ही, इसी रिएक्शन की वजह से ही ये विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाते हैं। दूसरा जो परिरक्षक है जिसका हमारे देश में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है वो है सोडियम या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की विशेषता ये है कि प्रायः जो रंगहीन खाद्य पदार्थ होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि इससे जो गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड वो पदार्थों के रंग को उड़ा देती है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी वजह से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि यहाँ पर नहीं हो पाती है, लेकिन पदार्थों का रंग उड़ जाता है। इस वजह से सोडियम या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है उसका प्रयोग किया जाता है रंगहीन पदार्थों को बहुत लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड K2S2O5 और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड Na2S2O5।